कुछ दिन पहले ही मुझे कमेंट आया कि मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है एज अ डिजिटल मार्केटर, बट समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे मैं ही एक इकलौता डिजिटल मार्केटर हूं, तो क्या करना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज विक्रम एंड यू वाचिंग विक्रम थिंग्स। आई मेक वीडियोस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप फ्रेश हो, वर्किंग प्रोफेशनल या नया डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए है। अब जाहिर सी बात है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो आपको बहुत सारी स्किल्स आती हैं। अगर बात की जाए फॉर एग्जाम्पल, एक डिजिटल मार्केटर जब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है तो वो SEO सीखता है, SEO सीखने के बाद वो एड्स सीखता है, एड्स सीखने के बाद वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वर्डप्रेस भी सिखाते हैं। तो अगर बात की जाए, आपके पास जो ओवरऑल नॉलेज है वो SEO, एड्स, सोशल मीडिया एंड वर्डप्रेस की है, आप उम्मीद क्या कर सकते हो? आप उम्मीद ये करते हो कि अगर सपोज आप कहीं वर्क कर रहे हो तो या तो आप एक डोमेन में वर्क करोगे या आप इन सब सारी चीजों में वर्क करोगे। आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप स्पेसिफिक डोमेन मतलब एक सिंगल डोमेन में वर्क करोगे या मल्टीपल डोमेन्स, मतलब आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो, कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा काम आप SEO के बारे में करोगे, थोड़ा गूगल एड्स के बारे में, थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में। बट अगर कोई आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहां पे आप स्पेशलाइज्ड हो SEO में ही, मतलब पूरा काम आपको SEO में ही करना है, तो बात यह है कि ये तो चलो एक कंपनी के पास बहुत सारे डिजिटल मार्केटर होना चाहिए पहली बात, बट अगर आप सिंगल इंप्लॉय हो उस कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर तो किस हद तक आपको कंटिन्यू करना चाहिए एंड कब छोड़ना चाहिए। बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज आपको वहां से मिल क्या रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके पास जो स्किल है इंडस्ट्री को, मार्केट को चाहिए कि आप SEO बनो या एड्स बनो या सोशल मीडिया मार्केटर बनो या मिक्स ऑफ ऑल बनो, तो क्या आपके पास वो स्किल वहां से सीखने की मिल रही है? क्या उनके पास जो प्रोडक्ट है उसमें आप अच्छा SEO करने के लिए आपको मौका मिल रहा है? क्या उनके पास SEO टूल्स हैं, पेड SEO टूल्स? अगर बात की जाए गूगल एड्स की, तो क्या वो गूगल एड्स का पेड एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट के लिए करा रहे हैं? क्या वो मंथली बजट को स्पेंड कर रहे हैं? बात की जाए अगर सोशल मीडिया की, तो रेगुलर पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हो या आप ही कैप्शन में लिख रहे हो, आप ही सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, तो क्या ये सारी चीजें आप कर रहे हो? आई नो ये प्रेशर होगा आपके पास जब आप बात करोगे पूरी चीज एक कंपनी में काम करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में SEO, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, तो प्रेशर तो बहुत होगा, जो आपने कमेंट भी किया था। बट नेक्स्ट चीज आपको यह पूछना है कि क्या मुझे यहां से क्या सीखने को मिल रहा है, क्योंकि सीखने के लिए अगर बात की जाए, अगर आप SEO सीखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उनके पास पेड टूल होना चाहिए। तो क्या आप किसी पेड टूल पे वर्क कर रहे हो या वो करा रहे हैं? गूगल एड पे मंथली बजट स्पेंड कर रहे हैं? या अगर बात की जाए सोशल मीडिया मार्केटर की, तो क्या उनके पास कोई पेड टूल जहां पे आप पब्लिश कर रहे हो या यूट्यूब मार्केटिंग उनके लिए कर रहे हो, मतलब क्या क्या चीजें कर रहे हो? अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं सीखने को मिल रहा है तो क्या हमें इमीडिएट छोड़ना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको जब भी आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको चाहिए एक्सपोजर, ओके, कि चलो मैंने इस कंपनी में इतने महीने काम किया जो मैटर करता है। ऐसा ना हो कि सपोज आपने एक कंपनी ज्वाइन की एंड आपने उस कंपनी को 1 month में ही छोड़ दिया, तो उस 1 month के सर्टिफिकेट का आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कहीं लगा दोगे, वो इंटर्नशिप की तरह ही वर्क करेगा। तो आपको करना यह है कि आपने जहां भी कंपनी ज्वाइन की है, एंड अगर आप सिंपल इंप्लॉय हो एज अ डिजिटल मार्केटर, आई नो चैलेंजिंग चीज है, बट अगर आपको सीखने को मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आप कंटिन्यू करो, एटलीस्ट 3 to 5 months कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी के सिनेरियो में देखोगे तो जॉब मार्केट उतना है बट रिसेशन होते जा रहा है, तो उस हिसाब से ये जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो मैटर करेगा। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो एंड फिर कहीं ज्वाइन किए हो एंड वहां पे सारी चीजें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप ट्राई आउट करो ना, नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई आउट करो। बट ऐसा ना होगा कि इस जॉब को आप छोड़ दो एंड छोड़ने के बाद फिर आप देखो कि यार कहां जॉब ढूंढूं, कहां मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसमें कंटिन्यू रहो, ओके, एंड देन आप जॉब सर्च अपना जारी रखो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपसे ये होगा कि जैसे ही आप यहां से, आपको लग रहा है कि अब आपका प्रेशर बढ़ रहा है, आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, तब जाके आप इस जॉब को छोड़ करो एंड दूसरे जॉब में आप स्विच करो। बट उसके लिए इमीडिएट जॉब छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन, अभी मार्केट के हिसाब से देखते हुए दो प्रेशर आपको हैंडल करना है, क्योंकि मार्केट में हो आप इंडस्ट्री में हो प्रेशर बनते रहेंगे, हैंडल करना सीखो। क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी कंपनी में जब आप सिंगल होते हो ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी आती हैं सीखने के लिए, क्योंकि अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है, ओके, फॉर एग्जांपल उस कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कंपनी के अंदर हो, अगर उस कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसमें कंटिन्यू रखो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप जानते ही हैं फ्यूचर में क्या पता वो कंपनी इतनी बड़ी स्टार्टअप हो जाए एंड आप वहां पे डिजिटल मार्केटर लीड करने लगो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टार्टअप्स
स्टार्ट में बहुत कम इंप्लॉयज का स्टार्ट करते हैं, बट अगर वो स्टार्टअप सीरियस है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो बाद में बहुत ही फायदा होगा। तो इस चीज के लिए नहीं कि मतलब यार मुझे अब प्रेशर आ रहा है तो मैं छोड़ूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल फाइनल चीज ये चेक करना है कंपनी के प्रॉफिट्स। ओके, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी आपको टूल्स दे रही है कि नहीं जो कि पेड टूल्स। ओके, नेक्स्ट कंपनी आपके साथ मिनिमम मेरे हिसाब से अगर बात की जाए, ओके, 3 to 5 months का टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए उस कंपनी में। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करो, और मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि इमीडिएट जॉब को लीव मत करो अंटिल एंड अनलेस आपके पास कोई दूसरा ऑफर ना हो। बट अगर स्टार्टअप पोटेंशियल है तो आप जाके आगे जाके बहुत अच्छा लीड कर सकते हो। आप पूछो कंपनी से कि उनकी हायरिंग की क्या चांसेस हैं, आने वाले टाइम में कितने लोगों को हायर कर रही है। तो ये सारी चीजें डिसीजन के बाद आप कंपनी को छोड़ो। तो ये है मेरा फाइनल चीज, आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट्स, पेड टूल्स, 3 to 5 months एंड देन इमीडिएट आप मत छोड़ो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड उसके साथ ही अगर आपके पास दूसरा कोई डाउट है तो आप कमेंट में डालो।